जितना काम करो उतना लोगों को ज्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है। मैं नागपुर का सांसद हूं और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 66,000 करोड़ रुपए के काम करो, कितना 66,000 करोड़। मैं ठोकरा देता नहीं हूं, जो बोलता हूं डांटे के चोट पर पूरी करके दिखा रहा हूं। झूठे आश्वासन मैंने कभी नहीं दिया। मैं लिख कर बताता हूं जितने काम मैंने किए, फिर भी लोग मेरे पास आते ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो। मैं पूछता हूं कि पूरे देश का फंड नागपुर में लाओ क्या? लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, देश की तस्वीर बदल रही है, देश का भविष्य बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के 21वीं सदी का भारत हमको निर्माण करना है और भारतीय जनता पार्टी में हमको हमारे परिवारों की चिंता नहीं है, किसी का बेटा और बेटी होना गुनाह नहीं है। पर ये क्यों चले गए? क्योंकि सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना में तय होता है, खाने के तेल का भाव मलेशिया के पामोल तेल पर तय होता है, मक्के का भाव अमेरिका में तय होता है, शक्कर का भाव ब्राजील में तय होता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में 22 रुपए किलो की शक्कर है, हमारी सरकार 30 रुपए किलो शक्कर देकर किसानों को गन्ने को अच्छा भाव देने का काम कर रही है। मैंने खुद हवा को लेकर मलेशिया से आए हुए तेल पर 45% ड्यूटी लगाई और आज सोयाबीन की कीमत 3200-3300 रुपए क्विंटल आगे बढ़ रही है। और कल ही मेरी कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु से बात हुई है कि ईरान में चाइना में साउथ ईस्ट एशिया में सोयाबीन की केक एक्सपोर्ट होगी तो किसान के सोयाबीन को 3500 के ऊपर 3800-4000 रुपए क्विंटल तक भाव मिलेगा। हर बार इनके लिए मैं 40-40 साल काम किया, मेरी हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई, कपड़े फट गए, बाल निकल गए, टक्कर पड़ गया, जूते झीज गए, क्या करो मेहनत परिश्रम के। मैं दादा रहा हूं तुम जगह पाऊंगा ना दादा दादा जवान थे तब दादा और मैं साथ में काम करते दादा के बाल निकल गए। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, वो मेरे पास आया मुझे कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, 40 साल की मेहनत है मैं क्या करूं। पहले तो चुनाव चिन्ह घंटा ले और बजाने का काम कर, तो उसने शंकर लिया और शंकर भुगने का काम किया। ये भी इतिहास नागपुर का है पता आपको, कभी घंटा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करने वाली पार्टी। हमारी मान्यता है कि कोई भी कार्यकर्ता उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बड़ा होता तो उसके गुणों से और उसके कामों से बड़ा होता, इस सिद्धांत पर हमारा विश्वास है। इस समाज की छुआछूत अस्पृश्यता जातीयता सांप्रदायिकता हम समाप्त करेंगे और समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जो गरीब है शोषित है पीड़ित है दलित है, जो गांव गरीब मजदूर किसान है, उसकी तस्वीर को बदलने की हम कोशिश करेंगे। उस गरीब को न्याय देंगे, वो किसान और किसान मजदूर के बेटे के हाथों को काम देंगे, इसकी चिंता हमें है। इतना ही नहीं तो आयुष योजना में हार्ट का ऑपरेशन कैंसर जैसे असाध्य रोगियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो रही थी, बेचारे डॉक्टर के पास जाते थे, सरकार के डॉक्टर की हालत क्या थी, सरकारी दवा खानों की, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवा खानों की हालत। आज मुझे खुशी हुई, अभी मैं सिवनी गया था, मेरा हवाई जहाज जहां उतरा मुझे बताया गया कि यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा, मध्य प्रदेश के सरकार ने सिवनी को मेडिकल कॉलेज दिया, छिंदवाड़ा भी दिया। नेताओं के बेटों को अगर चुनाव में टिकट चाहिए तो उसके मां बाप उसके लिए बात न करे, जनता बात करे और जनता कहे तो जरूर टिकट दे। और यहां तो कांग्रेस पार्टी में
हमारे नागपुर जिले में जितने एमएलए उनके पिता है मेरे कांग्रेस के, और कोई संकोच भी नहीं होता, दो दो लड़कों को टिकट देते हैं, एक को कांग्रेस में, उनके यहां से ट्रैक्टर का शुरुआत हो रही है और वो सीएनजी पर चलेगा, जो सीएनजी किसान के फसल से पैदा हुए बायोमास से आप देखने के लिए आइए, एक ट्रैक्टर वाले के साल के 50,000 रुपए बचे, बायो डीजल 5 रुपए सस्ता उस पर ट्रैक्टर चलेगा, एलएनजी पर ट्रैक्टर चलेगा। हमने हर समय ये सोचा है कि